नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। देखो, आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप नेचुरली अपने पेट फूलने का इलाज कर सकते हो। देखिए, पेट फूलने का मतलब क्या है? पेट में गैस बन गई है तथा नीचे वो जा नहीं रही, क्योंकि नीचे आपका डस्ट है, जो बड़ी इंटेस्टाइन का लास्ट वाला है, वहां डस्ट इकट्ठा हुआ हुआ है। तो यह गैस ऊपर की तरफ जाती है और ये पूरे पेट को फुला देती है तथा इसका इलाज सिर्फ यही है कि आप गैस को ना बनने दें। कुछ स्टेप्स जो हैं आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपको गैस नहीं बनेगी। नंबर 1 पे के रात को छेती सो जाइए, सुबह छेती उठिए, 8 बजे के बाद जागना नहीं, सुबह 4 बजे के बाद सोना नहीं। बट प्रैक्टिकली जिनका पेट फूलता है उनका ट्रेंड क्या होता है कि वो 12 बजे से पहले सोते नहीं, सुबह 8 बजे से पहले उठते नहीं। तो क्या होता है कि जो नेचुरल आपका वो गैस निकलनी चाहिए, वो पेट का डस्ट बाहर निकलना चाहिए, टॉयलेट में जाके, वो नहीं जाता। हमारी जो नेचर है वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो क्या करती है कि वो नेचुरल वे से हमारी जो बड़ी इंटेस्टाइन है उसको खोल देती है ऐसे सुबह 4 बजे के टाइम, ताकि वो डस्ट निकल जाए, वो गैस निकल जाए तथा आपका पेट ना फूले। बट हम उस समय अपनी आलस की वजह से सोते रहते हैं। सिर्फ हैबिट बनाने की बात है, इसमें कोई एज का तो है नहीं कि बड़ी उम्र में हो जाएंगे। बड़े व्यक्ति जिनकी उम्र 60+ है वो भी आलसी होकर सो रहे हैं, रात के 11 बजे तक जागते हैं और सुबह 8 बजे से पहले उठते नहीं। चाहे उम्र कम हो चाहे उम्र ज्यादा हो, इसका कोई इशू नहीं है, आदत बनानी है। पेट सबका फूलेगा जो इस नियम को नहीं पालन करेगा। नंबर 2 पे खान पान में तला हुआ सामान अवॉइड कीजिए। मांस, मच्छी, अंडा, पैकेट वाला फूड, बेसन के तल के चीजें, मैदे की तल के चीजें, मैदा, चीनी का सामान तथा नमकीन चीजें जो पैकेट में आती हैं, भुजिया कहते हैं, बिस्कुट, नमकीन, मीठे हैं, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। अभी गर्मियों में आइसक्रीम बहुत खाओगे, उससे पेट फूल जाएगा आपका। ठंडा पानी बहुत पियोगे, उससे आपका पेट फूलने वाला है। मटके का पानी पीना है तथा कुछ नेचुरल चीजें आप यूज कर सकते हो। घर में अजवाइन होती है, वो इस्तेमाल कीजिए। घर में नींबू होता है, नींबू का इस्तेमाल कीजिए। पुदीना होता है, उसका सबसे ज्यादा इस गर्मियों में आप इस्तेमाल कीजिए, आपका पेट नहीं फूलेगा। तो यह 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। नंबर 1 पे सुबह जल्दी उठना है, सूर्य उदय का समय है 6:30 बजे, आपने 4 बजे 3:30 बजे उठ जाना है, रात को 8 बजे के बाद जागना नहीं है, इससे पेट नहीं फूलेगा। अगर ये नियम पालन करोगे आपको कब्ज नहीं आएगी, आपकी गैस निकल जाएगी सुबह, पेट साफ हो जाएगा। दूसरा, आपने वो चीजें नहीं खानी जिससे आपका पेट फूले, जिससे गैस बढ़े, वो चीजें अवॉइड करनी है जिससे एसिडिटी आपकी बढ़ जाए। नंबर 3 पे कि आपको नेचुरल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना है जिससे पेट फूलने की समस्या खत्म होती है। नींबू का पानी पीजिए सुबह उठते ही, एक नींबू डाल दीजिए 1 गिलास पानी में, पी लीजिए, आपकी जो पेट फूलने वाला काम है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप कर सकते हो पुदीना कूट लीजिए दवे सोटे में, वो पी लीजिए।
अजवाइन है उसको कूट के पानी, एक गिलास पानी के साथ पी लीजिए। ओके, अगर आपने अपनी समस्या का, पेट फूलने की समस्या का पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 93582-34925, 9356234925। आगे इंडिया से बाहर हो तो +91 निकाल लीजिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।